जा रहा हूँ जिम वर्कआउट करने। चिच्चा उड़ा के बॉलेट पे ले लूंगा तुमको, जो मैं अदनान की संगीत फंक्शन में पहनने वाला हूँ। सद्दू तू वीडियो क्यों नहीं बनाता, डे वन डे टू डे थ्री सब पता, नाटक मत करो। संगीत की तैयारी चल रही है यहाँ पे स्टूडियो में, डांस प्रैक्टिस हो रही है। तो फैसल भी है यहाँ पे सोलो डांस करने वाला, मिस्टर फैसू। ये रही अपनी दोस्त चूया चूया। अरे वाह, हमें सिक्योरिटी भगा रही है, तो लेट्स गो गाइस। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है और अभी है मेरा टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का। जैसे कि आप लोग को मालूम है, ये है बीट और गाजर का जूस और ये है मिक्स ड्राई फ्रूट का शेक, जो मैं निहार मुंह पीता हूँ। और ये दोनों ही निहार मुंह पीता हूँ, बट अपना अपना असर करते हैं। और ये है अपना 5 एग, जिसमें से मैं सब येल्लो निकाल दिया हूँ, सिर्फ 1 अंडे का येल्लो लिया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा रख लिया हूँ क्योंकि मुझे येल्लो बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब टेस्टलेस लगता है। आप लोग भी खाते हो, आप लोग को भी लगता होगा, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ले लिया हूँ ताकि मतलब टेस्ट लगे। और ये अपना मैक्स प्रोटीन का चिप्स लिया हूँ और ये मैं अंडे से खाता हूँ, जो बहुत ही मतलब आसानी से हालत से अंदर चले जाता है, ऐसा सूखा सूखा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि मैं डाइट कर रहा हूँ। बट ये भी तो ये था अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो भी मैं फटफट इसको खा पी लेता हूँ। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ जिम वर्कआउट करने और आज मैं जा रहा हूँ मेरी जान के साथ, मेरी जान को लेके। लेट्स गो महिला, वो जाते हैं वर्कआउट करते हैं। और आज मैं थोड़ा हीरो बन के, ऐसा नहीं लग रहा कि हीरो बन के जा रहा हूँ, थोड़ा लुक आज खेरी के हूँ मैं, जिम का आउटफिट प्रॉपर। लेट्स गो, निकलते हैं वर्कआउट करने। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ, टाइम हो रहा है मतलब अभी 10 भी नहीं बजा है, तो मैं उठा था 8:30 बजे। तो मैं मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी किया और सब कुछ रेडी कर निकलते हैं अभी। तो दोस्तों मैं निकल गया फाइनली जिम के लिए और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10, तो मैं फटफट जिम पहुंच जाता हूँ और उसके बाद हम करेंगे आज लेग्स वर्कआउट। और आज की आउटफिट भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बहुत मस्त कैरी किया हूँ मैं इंटरनेट। तो ये है अपनी आज की लेग्स आउटफिट, जिम आउटफिट। वर्कआउट हो गया, वर्कआउट करके मैं निकल गया हूँ घर के लिए और चलते हैं फटफट घर। चिच्चा उड़ा के बोनट पे ले लूंगा तुमको मैं। तो जिम भी पटा लिया और घर आ गया, खा पी के मस्त रेडी हो गया हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लिया हूँ मैं। और घर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा पार्सल आ गया है, जो मैं अदनान की संगीत फंक्शन में पहनने वाला हूँ। तो इसमें शेरवानी है, इसको थोड़ा सा ओपन करते, मैं एड्रेस थोड़ा सा निकाल दिया ताकि एड्रेस वायरल ना हो इसके लिए। तो इसको पैकिंग में खोल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोग को, एक सेकंड। बस इतना ही दिखाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। अगर इससे ज्यादा देखना है तो मेरे संगीत का जो ब्लॉग रहेगा उसमें आप लोग को पूरा शेरवानी दिखाऊंगा मैं रेडी होते हुए। तो मेरा शेरवानी आ गया है, ये था अपना शेरवानी जो कि मैं अदनान के फंक्शन की में पहनने वाला हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ डांस स्टूडियो, जहाँ पे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अदनान के संगीत में, जो जो डांस करने वाला है सब वो स्टूडियो में आज जमा होंगे। और सब सिंगल सिंगल भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी कर रहे हैं और कपल में भी कर रहे हैं, ग्रुप डांस भी होने वाला है, मतलब संगीत में तो धमाल होने वाला है गाइस, बहुत मजा आएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, 5 बजे स्टूडियो बुक था बट मैं लेट हूँ, 6 बज रहा है। जैसे 10 बजे तक का प्रैक्टिस होगी और फिर उसके बाद देखेंगे। तो मैं लेके चलता हूँ आप लोग को डांस स्टूडियो। तो मैं कल इसको इतना बोला कि सद्दू तू वीडियो क्यों नहीं बनाता, डे वन डे टू डे थ्री मतलब अदनान की शादी का, तो इसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गया और इसने बनाना चालू कर दिया। मैं इसके लिए चालू किया क्योंकि कल ज्यादा लोग नहीं थे, इसके लिए मैं ब्लॉग नहीं बनाया। इसको याद नहीं था, इसको मैंने याद दिलाया, सद्दू तेरा ब्लॉग का आ गया, तू बिना ब्लॉग का अधूरा लगता है। अच्छा मतलब ऐसा है क्या, मतलब लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है फिर? या ऑफ कोर्स आता है, तभी तो तेरे को बोल रही हूँ ना। तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं स्टूडियो पे और बाकी सब भी आ रहे हैं, देखना, एंजॉय करना, मजा आने वाला है ब्लॉग में आप लोग को।
फन होने वाला है स्टूडियो में बहुत। तो हम लोग पहुंच गए हैं स्टूडियो जो कि है सीवन कोरियोग्राफर और पूरा स्टूडियो खाली है, कोई भी नहीं आया अभी तक, सिर्फ मैं और सना और अपना कोरियोग्राफर सिमरन जो कि हम लोगों को कोरियोग्राफ कर रही है वीडियो पूरा। बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं अभी कौन आता है, चलो अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कल थोड़ा सा किए थे, बाकी लोग का वेट है आने दो, फिर आपको दिखाते हैं। जब प्रैक्टिस में ये हालत है मेरी, दो तीन बार सिर्फ ट्राई किया मैं डांस करने के लिए, तो मुझे इतनी ज्यादा स्वेटिंग आ रही है। तो जब मैं परफॉर्मेंस करूंगा डांस में स्टेज पे तब कितना ज्यादा स्वेटिंग होगा, बस वहाँ पे थोड़ा ज्यादा चिल्ड एसी होना चाहिए। सीना देख रहे हो टपक रहे, सिर्फ तीन बार क्यों, ये देखो अपना अभी भी आ गया है। छत काले अभी आया, तू कैसा देख लिया मेरा डांस, 15 मिनट हो गए आप आए, हम बाहर ही थे। हाँ डांस नहीं देखा ना, क्या बोलते बच्ची, भूखे ओके किसके लिए आया है, मेरे लिए आया है। अच्छा ठीक है मैं ले लेता हूँ, बट तुम अपने हाथ से देते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, बट कोई नहीं यू नो, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। बोलो बोलो ना, ये क्या मालूम पड़ेगी, कोई हेलो बोलो बोलो, ये फ्लावर किसने किसने लाया था, फ्लावर किसने किसने लेके आया था, किसने लेके आया था, इसका नाम अभी सब पता है, नाटक मत करो, हाँ सब पता है, नाटक मत करो, मुझे तो आया ही नहीं, मुझे मिले ही नहीं। दोनों यार अभिषेक तुम क्या कर रहे हो यार, टावर नहीं कराई मैं, तुमने दिया ही नहीं। लेकिन देखो ना भाई, ये शर्मा रहे अभी, अरे अरे भाई यार, देखो 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 टपक रहा है, क्या फूल फूल खिल रहा है, फूल खिल रहा है, देखो ये मेहनत कर रही हूं मैं, मेहनत किया ना उसका ये सर। लेकिन आप क्यों शर्मा, मतलब फूल किस चीज के लिए था। चलिए ज्यादा बात मत कर, फालतू की बात कर रहा है कुछ भी। गाइस मैं तो सीख लिया, कैसा था राहुल, एक नंबर। तो मैं सीख गया, मुझे 30 मिनट लगा आधे घंटे में, मैं सीख गया, बट आप लोग को नहीं दिखाया, आप लोग अब देखोगे संगीत वाले ब्लॉग में मेरा परफॉर्मेंस। देख रहे हो मेहनत दिख रही है ना आप लोग को, ये है मेहनत, एसी चल रही स्टूडियो में, फैन चल रहा है, फिर बाप रे। हसन भी आ गया जो कि 6 बजे आना था इसको, ये पहुंचा है 7:45। इतना लेट क्यों, मैं 6:30 बजे 7 बजे आया, 6:30 बजे आया हूँ मैं। गाइस आप लोग मेरा टाइम देखे थे जब मैं ब्लॉग बना रहा था, आप लोग को मालूम है ज्यादा सच, तो सिर्फ 5 बजे आने वाला था। एक मिनट म्यूजिक बंद कर ला तो कॉपीराइट लग जाएगा। क्या शॉट, क्यों इतना लेट, 5 बजे आने वाला था, 5 बजे आने वाले थे, आज का मैं वेट कर रहा था ना, नहीं आया, नहीं आया तभी तो अकेला आया। आज क्या कर रहे यार तू, हसनैन तेरा वेट किया कितना टाइम तक का और तू आया ही नहीं, ऐसा कैसा चलेगा की प्रैक्टिस होगी। तो अभी चलो तुम्हारा प्रैक्टिस करते फटफट, तुम्हारा डांस हो गया, हाँ मेरा हो गया, मैं वीडियो इसमें नहीं दिखाया, म्यूजिक पे करके दिखाऊंगा यार। गाइस मैं आप लोग को स्टेप नहीं दिखाना चाहता ताकि आप लोग, मैं स्टेप अभी लग ही लगी, अगर मैं अभी स्टेप बता दूंगा तो आप लोग मेरा संगीत वाला ब्लॉग नहीं देखोगे, इसके नतीजे डाल दूंगा मैं, आप लोग को दिखाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ मैं, कॉपीराइट आया जो भी है ना, नहीं मिले पैसे तो मतलब ये खाली आप लोग का नाम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मुझे पैसा मैटर नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्जॉय करते रहो मेरा ब्लॉग, और मैं कमेंट भी पढ़ा आज तो एक दो ब्लॉग में। देखो टंग से जबान इधर उधर फिसल जाती है, मैं आप लोग का कमेंट पढ़ा हूँ मेरे कुछ ब्लॉग में, जिसमें कुछ कमेंट आए कि सद्दू यार सद्दू का ब्लॉग इतना अच्छा होता है कि उसके ब्लॉग में पूरी डिटेल देखने मिलती है। सद्दू गाइस पैसे के लिए नहीं बनाता आप लोग, समझ गए, तो मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोलता ही है हर बार। यहाँ पे प्रैक्टिस चालू है सबकी, अभी अदनान की प्रैक्टिस चालू है, उसके बाद हसनैन का है, और ये दोनों तो आके बैठे हैं, ये दोनों ये दोनों कपल डांस कर रहे ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए संगीत की तैयारी चल रही है यहाँ पे स्टूडियो में, डांस प्रैक्टिस हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत कम टाइम में। ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फैसल भी है यहाँ पे सोलो डांस करने वाला, मिस्टर फैसू,
तो सोलो परफॉर्मेंस कर रहा है? मैं तो सरप्राइज परफॉर्मेंस कर रहा हूं। डांस प्रैक्टिस हो गई तेरी? मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है। अरे ये जा ना बे, भाई जी तू भी कर रहा है डांस? और कभी नहीं, कभी को डांस कर देखा हूं ना मैं। कब देखा है? कब देखा? दुबई में वो सब वो अंडर तो देख रहे हो यहाँ पे सब प्रैक्टिस चल रही है, सब बिजी चल रहे हैं गाइस, सब अपना अपना स्टेप सीख रहे हैं। ये टाइम पास लोग करो यार, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? 10 बजने वाला है, टाइम देखो 9:30 गए। अबे कितना काला दिख रहा है हाँ अभी दिखा गोरा। ये देखो मेहनत मेहनत, देखो पसीने, देख रहे उसको स्वेटिंग, ये होती है मेहनत। क्या बोलते ब्रो, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा फास्ट है। 4 मिनट का गाना है इसका, 4 मिनट का परफॉर्मेंस है। 8 मिनट ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कौन सा 8 मिनट? ए भाई तेरा ये ब्लॉग मेरे शादी के बाद ही आना चाहिए। ए तेरी शादी तो पहले आएगा ये। ये आज ब्लॉग शूट करता है, कल डाल लेते डालो। इतना फास्ट है, इतना फास्ट बैठ के डाला रहता है कुछ चीजें, कहीं पे भी बैठ रहे, क्या कर रहे, क्या बात कर रहे, इतना भैया। तो दोस्तों फाइनली मैं वहाँ से निकल गया स्टूडियो से डांस प्रैक्टिस करके, और बाकी लोग अभी तक कर रहे हैं, मेरा हो गया था इसके लिए करके मैं निकल गया। और अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक दोस्त आई है बैंगलोर से, मुझे उससे मिलने का है, तो लेट्स गो, लेट्स सी, आपको भी दिखाता हूँ। और जो हाँ, आप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है ना, मतलब रमजान वाले सब्सक्राइबर, वो उसको जानते हैं क्योंकि अभी तक का वो एक ही व्लॉग में आई है, तो ये व्लॉग में भी मैं उसको लेता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं वापस से बताऊँ आप लोग को। लेट्स गो निकलते हैं अभी, तो मैं जाऊंगा मेरी धनों को लेके, चल जानू। ये रही अपनी दोस्त चोया चोया। अरे माँ तो स्मार्ट दिख रही है, तू मेकअप वेकअप करके आई है, देख रहे घाई घाई में। ये वही लड़की है, याद है गाइस आप लोग? चलो अच्छा है गाइस, ये वही लड़की है इसके लिए हम लोग लड़के ढूंढ रहे हैं। याद है रमजान में जो मेरे ब्लॉग में इसको मैं लिया था, बहुत अच्छे कमेंट आए थे मुझे, बहुत अच्छे कमेंट आए थे कि आप जोया के साथ ब्लॉगिंग करो, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब बेस्ट कमेंट आए थे। तो मैं जोया को शेयर किया था, तो जोया बोलती है ले मेरी तो निकल पड़ी। इसलिए मुझे पता था कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला, इसलिए मैं थोड़ा रेडी हो गया। आई यू गाइस, बट अगर तुम नई भी मेकअप लगाओगे तब भी अच्छे लगते हो। आंखों में जो थोड़ी से डार्क सर्कल्स की जगह मेरी आंखें काली हो चुकी है, वो कैसे छुपे? तो थोड़ा कम जागो। तुम्हारी बाप रे। तो अभी हम लोग जा रहे कुछ खाने के लिए, जोया को कुछ तो खाना था स्पेशल, लास्ट टाइम वो कुछ खाई थी, क्या था वो? सीख पराठा कबाब समथिंग। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या अच्छा मिलता है। अब हमें सिक्योरिटी भगा रही है, तो लेट्स गो गाइस। अंकल बात करनी नहीं दोगे हम लोग को, भगा दोगे? अच्छा ठीक है, आके ले लेते, चलो लेट्स गो। ओके लेट्स गो। तो जोया का फेवरेट सीख पराठा कैसा है? ये इससे पहले रोल खाई थी, बट मैं बोला कि इसको रोल से ज्यादा तो बैठ के खाएगी, गरम गरम ना तो ज्यादा मजा आएगा। चल अभी खा ले फटफट। चलो अभी ये जा रही है घर, इसको मैं ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। तो कैसा लगा सीख पराठा? बहुत अच्छा, मजा आई। तो चलो अभी इसको मैं टाटा बाय बाय बोलता हूँ, और मैं निकलता हूँ मेरे घर के लिए। तो फाइनली अपनी धंधों को मैं खड़ी कर दिया, पार्क कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ मेरे घर, और ये ब्लॉग करता हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, ख्याल रखो। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ।